दोस्तों रामगढ़ बंदे में अच्छे से घूमे हैं, व्यू एक नंबर है। और अब चलते हैं अपनी जो राम प्यारी है, इसका जो कोण सेट है वो मुझे लग रहा है कि भैया ये कट चुका है, तो इसे एक बार कंपनी में चलते हैं वर्कशॉप पे, या तो कोण सेट लेके अपन खुद डालेंगे या फिर वहीं से डलवा लेंगे। जो भी होगा वीडियो पर बने रही है, आपको देखने को मिलेगा। बाकी व्यू देखो आप, व्यू एक नंबर है। तो चलते हैं, ये देखो दोस्तों खजूर के पेड़, एक नंबर के खजूर के पेड़ है भैया। अब इनमें से खजूर तोड़ के कैसे खाएं, जबकि अभी खजूर लगे हुए नहीं है। होप करता हूँ मेरी वॉइस आपको जो आवाज़ है वो अच्छी आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों देखो अपने लगा रखा है मास्क। अब जैसी भी आवाज़ आए एंजॉय करना आप। और देखो ये रामगढ़ का बंदा, इनकेस अगर वो वीडियो मिस कर दिया हो तो यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, या एंड स्क्रीन पे जरूर से इस वीडियो को लगाऊंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। अब भैया अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनना अच्छी बात नहीं है, बाकी आप देख के कमेंट करके बता देना। बाकी चलते हैं और देख लो आप व्यू, ये रामगढ़ का बंदा। और ये देख लो बिल्कुल सूखा पड़ा है मेरे दोस्तों, क्या हो गया है प्राकृतिक को। बाकी ग्रीनरी है, देखो ग्रीनरी इसलिए है क्योंकि सावन का महीना है, तो बोलबम तारक बम, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। बाकी प्रोग्राम क्या था यार, आगे तक के जाने का प्रोग्राम था अपना भर्तरी बाबा तक का, लेकिन जो दोस्त होते हैं ना वो बहुत कमीने भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। कैसे जो अपने दोस्त हैं ना, उन्होंने कहा था कि भर्तरी बाबा के चल के आएंगे, लेकिन दोस्तों ने फ़ोन किया है कि भर्तरी बाबा के चलेंगे, जबकि मेरा है ना टूर आज का और कहीं का होता। मैं बता देता हूँ आपको, जो कोटा है कोटा का टूर होता मेरा, लेकिन दोस्तों के वजह से क्या है प्रोग्राम फेल हो के, भैया भर्तरी बाबा का प्रोग्राम बना अपना, भर्तरी बाबा का प्रोग्राम बन के वो भी दोस्तों ने कैंसिल करवा दिया। तो क्या करें यार दोस्तों, हर एक दोस्त जरूरी भी होता है और एक दोस्त कमीना भी होता है। बाकी अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, ये बात तो श्योर है, आप समझ सकते हो ना। तो कुछ लेके आया बंदा ना कुछ लेके जाएगा, अकेला आया और अकेला ही चला जाएगा। तो बोलो क्या बात क्या बात, अब शाबाशी किसको दे यार। तो आप भाई कमेंट करके शाबाशी देना। बाकी व्यू को देखो, निकलो यार भैया, आप भी निकलो। देखो मैं, आप मेरे फैमिली के मेंबर हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों देखो लाइफ में अपना जितना काम जरूरी है ना, मैं नहीं कहता हूँ कि काम मत करो, देखो काम मैं भी करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, तो भैया काम बहुत ज़रूरी है। देखो दो पैसे, मोटी मोटी भाषा में मैं बोलता हूँ, दो पैसे मैं कमाऊँगा तो दो पैसे खर्च भी करूँगा, और जब कमाऊँगा ही नहीं तो दोस्तों क्या खर्च करूँगा। तो मेरी बात से मतलब जो भी मोटिवेशन मिले, देखो मैं हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ दोस्तों। तो आप ये समझो कि आप भी हार्ड वर्क करो। अगर देखो स्टूडेंट हो तो भैया, स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भैया बहुत मेहनत करो पढ़ाई के अंदर। देखो अपन ने ना इतनी मेहनत नहीं की है पढ़ाई के अंदर, मैंने बहुत एंजॉय किया है, लाइफ को जिया है, लेकिन जो स्कूल टाइम था ना उसमें मैंने एंजॉय किया, जो कि बहुत गलत था स्कूलों से। आज मैं मेरी रियल लाइफ आपको बता रहा हूँ, स्कूल में मैं केवल प्रेजेंट लगा के
और गायब हो जाता था। तो दोस्तों स्कूल में हाजिरी लगा के मैं प्रेजेंट लगा के गायब, और कब आता था जब लास्ट का पीरियड आता था छुट्टी के टाइम पे, जब मैं बैग उठाने के लिए जाता था और बैग भी नहीं लेके जाता था कई बार, तो मैं ये एक जो अपनी जो क्लास टीचर होती है ना उसकी एक बुक लेके जाया करता था। और कई दोस्त ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने भी ऐसा किया होगा। बाकी मास्क लगा के बोल रहा हूँ तो थोड़ी आवाज़ आपको अच्छी से नहीं आ रही होगी, तो बाइक को क्या है स्लो रखते हैं। तो आप भाइयों ने भी बहुत से ने ऐसे किया होगा कि स्कूल में प्रेजेंट लगा के पार हो गए होंगे। तो भैया पार हम बहुत हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि यार देखो उस समय गलती की है जो अब भुगतना पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो स्टूडेंट भाई, अगर मेरे देख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो। देखो ये जो ज़माना है वो पढ़ाई का ही है, जो अच्छा शिक्षित है पढ़ा लिखा बंदा उसकी वैल्यू है, जो अनपढ़ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे वैल्यू तो दोस्तों देखो पैसों की ही है ना, पैसों की बहुत वैल्यू है, क्योंकि पैसा ही आजकल सब कुछ है। बाकी देखो एक परिवार, घर परिवार, जो दोस्ती यारी दोस्ती जो होती है उसको भी थोड़ा सा अहमियत दो, बिल्कुल पैसों को ही अहमियत मत दो, थोड़ा सा उसको भी अहमियत दो। बाकी तो ऊपर वाला है ही देखने वाला, अच्छे कर्म करोगे तो भैया अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। बाकी व्यू देखो आप, बाकी व्यू तो आपको दूसरी वीडियो में भी दिखा दिया है, इनकेस मिस कर दिया हो आपने उस वीडियो को तो भैया ज़रूर से जाके देखना। साइड में बाइक लगाते हैं अपनी। राम प्यारी रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भैया, राम प्यारी ऐसे कह रही कि चलो चलो चलो, लेकिन मैं आपको देख के बताता हूँ। दोस्तों देखो जो वो ऊपर में जो मंदिर दिख रहा ना वो है गढ़ गणेश, गणेश जी का मंदिर, तो आपको दिख रहा होगा। जो अपनी आँखें देख पाती है वो कई बार ऐसा होता है कि कैमरा नहीं देख पाता है, तो आप देखो वो गढ़ गणेश मंदिर। फिलहाल में दोस्तों हमारा जो MI रोड है वो वन वे है, तो इंदिरा बाजार होते हुए हमें निकलना पड़ेगा। और ये जितनी भी दुकानें हैं सब बाइक पार्ट्स की है, कोई रिपेयरिंग है, कोई मॉडिफाइड की है, और हर तरीके की एसेसरीज आपको मिल जाएगी, एलॉय वगैरह मिल जाएंगे आपको, एसेसरीज मिल जाएगी आपको। रॉयल एनफील्ड के आपको है ना अजमेरी गेट पे, यहाँ पे साइलेंसर वगैरह जो एडजस्ट होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। और जो भी मेरा जयपुर से वीडियो देख रहा है, और जाम देखो आप, जाम बहुत ही खतरनाक जाम है, बहुत ही खतरनाक जाम है भैया, क्या हो रहा है ये भैया। अरे कावड़ यात्रा को बंद कर रखी है, बताओ कैसे आदमी है, राजनीति के अंदर कैसे आदमी है, इतनी भीड़ को रोक नहीं पा रहे हैं, कावड़ यात्रा को बंद कर रखी है भैया। तो दोस्तों फाइनली अपना ना केस मोटर्स आ चुके हैं, अपना TVS का वर्कशॉप है, कंपनी भी है। ये हमारे TVS का वर्कशॉप है, कंपनी भी है ऊपर, और यहाँ से हम लेंगे पार्ट्स जो कौन सेट है। कल TVS स्टार सिटी प्लस का कौन सेट लेना है मेरे को, सिटी प्लस का स्टार सिटी प्लस का कौन सेट लेना है। वो तो आपको ध्यान है कौन सा लगेगा, देखो आप प्रॉपर साइज देना, क्योंकि मैं यहाँ से भी लगवा सकता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो,
नहीं तो फिर मैं खुद भी डाल सकता हूँ। 372 ना प्रॉपर पूरा सेट आएगा इसका। कौन सेट का? छर्रे वगैरह जो भी है, ऊपर नीचे की कटोरिया सारी दिखाओ। तो दोस्तों देखो, अपने 372 का तो कौन सेट लिया है और ये बिल है। तो यहाँ से देखते हैं, टाइम मिलेगा तो डलवाएंगे, नहीं तो फिर घर पे डालेंगे। जी ये कौन सेट डालने का क्या लेबर चार्ज लगेगी? कौन सी गाड़ी है? 250 प्लस टीवीएस स्टार सिटी प्लस 250 प्लस। ये खड़ी हैं आप? 300 रुपये। कंपनी में कोई नई बाइक आई क्या भैया? टीवीएस की शोरूम में चलेगा, बताएंगे शोरूम में। ठीक है भैया। तो दोस्तों देखो, आपको टीवीएस कंपनी की जो बाइक है ब्यूटी है वो दिखाता हूँ। ये है अपाची। तो दोस्तों देखो, टीवीएस स्टार सिटी प्लस का अपने जो कौन सेट है वो ले चुके हैं फाइनली। और ये बाइक जो टीवीएस की अपाची है 310 सीसी की, कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपको आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो 310 सीसी जो अपाची की जो बाइक है इस पर अपन एक 310 सीसी की जो बाइक है इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल फुल रिव्यू करेंगे इसका बढ़िया से। तो कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप बताओगे तो ही इसका रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं अपने घर के लिए, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं अपन और समय नहीं होते हुए कौन सेट चेंज नहीं करवाया है या अपन खुद से डालेंगे तो एक आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो बन जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस जो अपाची 310 सीसी है इस पर एक फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो डालेंगे ज़रूर से। कमेंट करोगे आप लेकिन ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे ना तो इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और जो बेल आइकन प्रेस करो वो ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास। दोस्तों तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। तो राम राम।